हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतवर्ष की वनस्पति, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र अथवा स्थान अथवा भूभाग में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के प्लांट्स को उस स्थान का क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेशन या वनस्पति कहते हैं, ठीक है। भूभौगोलिक रूप से भारत जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ तीव्र मानसूनी क्लाइमेट होता है, ठीक है। इस कारण यह अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो है वो भिन्न है, ठीक है। किसी भी स्थान की वनस्पति उस क्षेत्र की जलवायवी या पारिस्थितिक दशाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। सिंपल वार्मिंग टेंसले एवं चिप ने उष्णकटिबंधीय वनस्पति को वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता के आधार पर वर्गीकृत किया है, ठीक है। बाद में बर्ट डेवी 1938 ने ट्रॉपिकल वनस्पति का सिंथेटिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन मौसमी विभिन्नताओं के कारण उपयुक्त वर्गीकरण भारतवर्ष में जो है वो स्वीकृत नहीं है, ठीक है। चैम्पियन 1938 ने भारत की वनस्पति का पूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके बाद विभिन्न पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने चैम्पियन के वर्गीकरण में संशोधन किया और कुछ ने अपना वर्गीकरण अलग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। विभिन्न पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने वर्गीकरण को विभिन्न क्राइटेरिया के आधार पर प्रस्तुत किया है, ठीक है। सभी वर्गीकरण तीन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है। वेजिटेशन के लक्षण या प्रॉपर्टीज़, विभिन्न क्लाइमेटिक जोन्स पर क्लाइमेट का प्रभाव, ठीक है, जिसके कारण विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। पूर्ण विकसित पारिस्थितिक तंत्रों के लक्षण, ठीक है। इसके अतिरिक्त वेजिटेशन के मुख्य क्लासेस को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित फैक्टर्स या क्राइटेरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं फिजियोनॉमी, जैसे कि एवरग्रीन या डेसिडियस, जीरोमॉर्फिक या हाइड्रिक, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर, वनस्पतियों की संरचना, इसके अंतर्गत स्ट्रेटिफिकेशन, डायमेंशन एवं स्पेसिंग आदि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन या कार्य, इसके अंतर्गत स्पीसीज ग्रुप के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि लाइफ फॉर्म्स, बार्क फॉर्म्स, लीफ फॉर्म्स और बटरेसी आदि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिस्टिक, इसके अंतर्गत एक समुदाय के अंतर्गत आने वाले पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। डायनेमिक्स, इसके अंतर्गत प्लांट ग्रुप के सक्सेशन, क्लाइमेक्स फॉर्मेशन और अन्य चेंजेस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट, इसके अंतर्गत प्लांट्स पर क्लाइमेटिक, एडेफिक और बायोटिक फैक्टर्स के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं हिस्ट्री, इसके अंतर्गत उस साइट एवं वहां पर उपस्थित वेजिटेशन के विकासात्मक इतिहास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। चैम्पियन एवं सेट 1986 ने इकोसिस्टम के टाइप्स के आधार पर भारतीय वनस्पतियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया, ठीक है। फॉरेस्ट वेजिटेशन, वन या जंगली वनस्पति, और ग्रासलैंड वेजिटेशन, घास मैदानी वनस्पति, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट वेजिटेशन, ठीक है। वे क्षेत्र जिनमें वृक्षों का समूह वुडी वेजिटेशन की प्रधानता के रूप में हो और उसमें वृक्ष, झाड़ियों तथा हर्ब्स प्लांट्स प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगते, बढ़ते, विकसित होते हों और आपस में स्वनियंत्रित, स्वचालित प्रणाली की तरह कार्य भी करते हों, उसे क्या कहते हैं, वन या फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। भारत में कुल 385,000 वर्ग किलोमीटर घने वन और 239,930 वर्ग किलोमीटर खुले वन तथा 59,640 वर्ग किलोमीटर श्रब वन हैं, ठीक है। कुल 752.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 400
6.1 लाख हेक्टेयर सुरक्षित वन, ठीक है, 215.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र रक्षित वनों और 131.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संपूर्ण भारतवर्ष में 19.47% भौगोलिक क्षेत्रों में ही वन बचे हुए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। चैंपियन एवं सेट 1962 ने वनस्पतियों के लक्षणों एवं पर्यावरणीय फैक्टर जैसे जलवायु कारक, टेम्परेचर, वर्षा, नमी, प्रकाश, ठीक है, एडैफिक फैक्टर्स एवं टोपोग्राफिक फैक्टर्स के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन स्क्रब्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है। ऐसे वन उष्ण एवं गर्म जलवायु वाले भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अत्यंत घने ऊंचे वृक्ष, झाड़ियाँ एवं वुडी क्लाइंबर या लाइनॉस पौधे उच्च वर्षा से शुष्क वर्षा वाले क्षेत्रों, कटीले वृक्षों वाले जंगलों एवं शुष्क क्षेत्रों में कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय वन दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे वनों में वर्षा अधिक होने के कारण मॉइस्चर काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। आर्द्रता के आधार पर ये वन तीन प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा दर वाले भारतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के वन स्थित हैं, ठीक है। इस प्रकार के वन भारत के दक्षिणी हिस्सों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग और उत्तरी हिस्सों में मुख्यतः जो है पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। इन वनों के वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 40 से 60 मीटर से अधिक होती है। इस वन के वृक्ष जो है वो सदाबहार प्रकृति के तथा चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, ठीक है, या काष्ठी लता, ठीक है, वुडी स्टेम और एपिफाइट्स की बहुतायत होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों का विस्तार 200 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा स्तर वाले क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट से जो है वो पूर्वी की ओर होता है, ठीक है, बंगाल एवं पूर्वी उड़ीसा तथा असम में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। इन वनों में कुछ जो है वो डेसिडियस ट्रीज की स्पीसीज भी पाई जाती है, इसलिए इन्हें जो है वो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ पौधे जो है वो पर्णपाती तो होते हैं लेकिन पत्ती रहित अवस्था अल्पकालिक होती है, ठीक है। कुछ समय के लिए क्या होते हैं, इनमें लीफ जो है वो एब्सेंट होते हैं। वृक्षों की ऊपरी स्तर 20 से 40 मीटर तक होती है, ठीक है। वृक्षों का संगठन लगातार सदाबहार वन की तरह ही होता है लेकिन दक्षिणी हिस्से के ऊपरी स्तर में सदाबहार वन के वृक्षों के साथ साथ टर्मिनेलिया, पेनिकुलेटा, जैलिया, जैलोकार्पा, स्टीरियोस्पर्मम आदि भी प्रमुख पौधों के रूप में स्थित होते हैं, ठीक है। असम के क्षेत्र में स्कीमा वैली चाय, सोरिया रोबस्टा तथा कचनार, जबकि उड़ीसा स्थित वनों में मैंगी फेरा एवं माइकेलिया के साथ आर्टोकार्पस प्रभावी क्षेत्रों के रूप में मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। औसतन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन जो है वो मिलते हैं, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से इन वनों का विस्तार अंडमान द्वीप समूह, मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, गुजरात के डोंग,
महाराष्ट्र के थाने, रत्नागिरी कर्नाटक के केनरा, बेंगलोर एवं पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के नीलम्बूर व चापनाड आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य वृक्ष सैगून है, जबकि उत्तरी आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्ष जो है वो साल है। ठीक है, सैगून वन में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ वन क्षेत्रों में चंदन अर्थात सेंटेलम एल्बम के जंगल भी हैं। ठीक है, सैगून चंदन वनों में डायोस्पायरास, जिजीफस, कैसिया, स्टीरियोस्पर्मम एल्बिजिया, साइजीजियम सेडेड्रा साथ साथ मिश्रित रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लिटोरल एंड स्वैप फॉरेस्ट। ठीक है, समुद्र तटीय दलदली वन क्षेत्र भारत के 6,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार के वन समुद्र तट पर, उदाहरण के लिए पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट और बड़ी बड़ी नदियों जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी के डेल्टाओं के ज्वारी अनूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र नरम गाद के बने होते हैं, जिनमें राइजोफोरा, सोनो नेरिसिया इत्यादि के मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। ठीक है, इन जलाक्रांत परिस्थितियों में वनस्पति के छह से क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, अपेक्षाकृत अंतस्थली क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर ज्वारी जल आता रहता है, ज्वारी वन टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ हैरी सियरा थेस्पेसिया पाल्म की विभिन्न जातियाँ तथा अन्य श्रुप उगते हैं। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ अधिकता में पाई जाती हैं। ठीक है, ये मुंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में जैसे एलिफेंटा, उतेन, उरान, मोरागोराई, घोड़बंदर आदि में देखे जा सकते हैं। विशिष्ट रूप में यहाँ एविसेनिया एल्बा, ब्रुगुइरा सेरियोपसिस, एक्सकिकेरिया एग्लोचा, सोनोरेसिया एसिडा तथा एगेरिकस मेजस प्रमुख है। ठीक है, इस क्षेत्र में औसतन 75 से 500 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, मृदु जली दलदली क्षेत्रों में टाइफा की जातियां जैसे कि टाइफा एंगस्टाटा एवं टाइफा एलिफेंटिया आदि मिलते हैं। ठीक है, वृक्ष जातियों में इस क्षेत्र में सेलिक्स एसर ठीक है आदि मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ऐसे वनों में औसत वर्षा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, प्लांट्स की प्रकृति के आधार पर ये वन तीन प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। औसत 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भारतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है, और समस्त भारतवर्ष के वन क्षेत्र के वन 1/3 भाग ठीक है 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इन वनों का विस्तार जो है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और भारतीय महाद्वीप के अधिकांश भागों में होता है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र के हिस्सों में इस प्रकार के वनों में सैगोन के वन तथा सैगोन रहित वन के क्षेत्र भी मिलते हैं। ठीक है, सैगोन के अतिरिक्त टर्मिनेलिया टोमेंटोसा आदि ऐसे प्लांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, भारत के उत्तरी क्षेत्र जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में प्रभावी वृक्ष के रूप में सोरिया रोबस्टा तथा उसके साथ एनोगाइसस पेंडुला ठीक है ये सारे जो है वो प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रायपुर क्षेत्र में साल और सैगोन वन के अलग अलग क्षेत्र ना होकर दोनों के सम्मिश्रित वन उपस्थित हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये वन 25 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में पर्णपाती वनों के स्थान पर कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है,
दक्षिण उष्णकटिबंधीय कटीले वन मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अकेशिया नीलोटिया, ठीक है, अकेशिया सुंदरा, इस प्रकार के जो है वो प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ लेंटाना, जस्टिसिया, हेट्रोपोगोन, सिटेरिया, ठीक है, ये भी देखने को मिलते हैं। उत्तरी उष्णकटिबंधीय कटीले वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के बहुत अधिक भाग में इस प्रकार के वन स्थित हैं। जातियों प्रजातियों की दृष्टि से यह क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में कमजोर है। ठीक है, इस क्षेत्र में ऊपर वर्णित अकेशिया की विभिन्न जातियों के साथ यूफोर्बिया की विभिन्न स्पीसीज मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में एल्गी, स्यूडो एल्गी, ठीक है, सेंक्रस, एरांथिस के विभिन्न स्पीसीज जो है वो, और प्रोसीपा की जातियाँ, केलोट्रोपिस की जातियाँ मिलती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। इस प्रकार के वन क्षेत्र में 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार के वन तमिलनाडु के पूर्वी भाग में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के समुद्री किनारों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इस क्षेत्र के वन में वृक्षों की पत्तियां जो है वो चरमिल होती है। इस क्षेत्र में बांस का अभाव लेकिन घास पाया जाता है। वृक्ष की ऊंचाई 9 से 15 मीटर तक होती है। ठीक है, सबसे ऊंचे वृक्षों में मनील, कारा, हेक्सेंड्रा, ठीक है, डायोस्पोरस एबेनस, ठीक है, बुकनानिया एंगस्टिफोलिया, स्पेडिस इमार्जिनेस आदि होते हैं। ठीक है, मध्यम ऊंचाई वाले वृक्षों में कैरिसा, कैरेंडोस, इक्जोरा, परविफ्लोरा, ठीक है, आदि की उपस्थिति प्रमुखता से देखी जाती है। सामान्य लताओं में टेरोलोबियम, हेक्सापिटेलम, जिजीफस, ओइनो, प्लिया, डेरिस, स्कैंडेंसिस, अकेशिया, इंटीसिया आदि बहुता में मिलते हैं। ठीक है,